वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज लर्न वेल। हिमाचल कैबिनेट का डिसीजन तो सुन लिया होगा कल का, जो हिमाचल में रहते हैं उन्होंने सुन लिया होगा। अप टू 12th February गवर्नमेंट ने जो है डिसीजन लिया है कि स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी आपको कि CBSE ने कहा है कल परसों जो वेबिनार हुआ है 22nd को जो वेबिनार हुआ है विद एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज डॉक्टर निशंक पोखरियाल, उनका जो वेबिनार हुआ है 22nd December को एट 4 o'clock, उसमें जो था वो आपका जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में 10th और 12th के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी उन्होंने। और वो बात ये है कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 10th और 12th के जो होते थे वो आपके नहीं होंगे 10th और 12th के, मतलब होंगे लेकिन जनवरी या फरवरी में नहीं होंगे। ठीक है, क्लियरिटी ये मत सोचिए कि नहीं होंगे, होंगे वो लेकिन जैन और फैब में नहीं होंगे ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक। वो आपके होंगे, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उनके बोलने का मतलब था कि जो आपकी मार्च में जो है या फरवरी 15th March के आसपास जो है वो फरवरी में होकर मार्च में आपके प्रैक्टिकल्स जाएंगे, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल, पता नहीं। उन्होंने कहा है आफ्टर डिस्कशन वी विल रिव्यू द पोजीशन और उसके बाद जो है बात करेंगे, लेकिन जहां तक मेरी थिंकिंग जाती है शायद आपके पेपर जो है वो अप्रैल 15th April के आसपास जो है वो मुझे जाने की संभावना लग रही है, अगर COVID-19 के केसेस जो है वो डाउन आते हैं तो। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक और बहुत बुरी खबर आप लोगों के लिए है कि 12th February तक जो है गवर्नमेंट ने सारे स्कूल्स जो है वो बंद कर दिए हैं, तो 12th February तक तो स्कूल नहीं ओपन होंगे। हाँ, जो है वो आपके जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपकी चलती रहेंगी, और आई होप और उसके साथ साथ जो आपके मेरे सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे और वो अपनी एग्जाम स्टडी जो है वो इसके थ्रू कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो आपकी लेटेस्ट थी जो अभी मुझे जो है वो एक दो दिन में पता लगी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये शेयर करना जो था, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना जो था वो ज़रूरी था। सो नाउ मूविंग बैक टू द टॉपिक, हम आज टॉपिक करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ द यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण, एकीकरण एकीकरण मतलब कि उस टाइम आपको पता था कि किंगडम्स होती थी और उनको जो था वो एक किया गया था। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए थे तो वी हैव 562 रियासतें जो थी वो इंडिया में हुआ करती थी, मतलब 567 राजे रजवाड़े जो थे वो इंडिया में हुआ करते थे। और उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे हमारे जो थे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने इन सभी। तो हम बात कर रहे थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली की। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण, एकीकरण मतलब आपको पता होगा कि उस टाइम पर किंगडम्स जो थी वो हुआ करते थे या सेफ्स जो थे वो हुआ करते थे। चेफ्स किसको, सेफ्स किसको बोलते हैं? CHEFS, सेफ्स। सेफ्स जो है वो हिस्ट्री का वर्ड है, हिस्ट्री का वर्ड। जैसे एक होते हैं राजा, एक होते हैं आपके रजवाड़े। रजवाड़े जो होते थे, जैसे एक छोटी सी कम्युनिटी है और उसका जो हेड है उसे सेफ्स कहा जाता है। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर गए थे तो हमारे पास 562 जो थी वो छोटी छोटी किंगडम्स जो थी वो होती थी। और हमारे जो उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें जो है वो आयरन मैन ऑफ इंडिया भी उन्हें जो था वो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। और उन सभी उन्होंने ही इन 562 रियासतों को मिलाकर इंडिया जो था वो
बनाया था। तो इसी तरह से आपकी जर्मनी और इटली भी जो थी वो अलग अलग रियासतों में डिवाइडेड होती थी। आपको याद था कि याद होगा कि जर्मनी जो था वो 39 कन्फेडरेशंस में डिवाइड होती थी। तो उन 39 कन्फेडरेशंस को मिलाकर जो था वो जर्मनी जो था वो फॉर्म हुआ था। तो हम ये देखेंगे कि इटली और जर्मनी में किसने जो था, कौन ऐसा था जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह जो था वो जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन जो था वो किया था। तो ये आप इसमें देखेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, दोनों ही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं और दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its associations with democracy and revolution. Nationalism in Europe moved away from its associations. Nationalism जो था वो अपनी association से दूर हो गया। Association कौन सी थी? कोई जो है जो भी आपके जो उस टाइम पे चाहे वो लिबरल्स थे चाहे वो आपके कंजर्वेटिव थे उनसे थोड़ा दूर हो गया। विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशंस, ठीक है, नेशनलिज्म जो था वो उनकी एसोसिएशन कौन थी? डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन, ये उनकी जो थी वो एसोसिएशन थी किसकी? नेशनलिज्म सी। और 1848 के बाद ये नेशनलिज्म जो था वो इनसे दूर हो गया। Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. जो nationalistic sentiments थे, जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी, वो क्या हुआ? Were often mobilized by conservatives. उसको कौन लोग भड़काते थे? या कौन लोग उसको जगा उनका अलग जगा कर रखा था? तो उनका जो अलग जगा कर रखा था वो आपके कंजर्वेटिव्स ने जो था वो जगा कर रखा था फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर, क्योंकि वो जो थे वो स्टेट पावर को प्रमोट करते थे, प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, और यूरोप के ऊपर जो थे वो पॉलिटिकल डोमिनेशन जो थे वो गेन कर रहे थे, ठीक है, यूरोप के ऊपर जो थे वो पॉलिटिकल डोमिनेशन जो था वो अजीब उसको कर रहे थे। डोमिनेशन होता है मतलब कि अपनी पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज करना। दिस कैन बी ऑब्जर्व बाय द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज द नेशन स्टेट्स। तो इसको जो है वो कैसे देखा जा सकता है? इसको जो है वो जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन के थ्रू जो है इस डोमिनेशन को जो है वो देखा जा सकता है। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन्स who in 1848 tried to unite the different regions of the German confederations into a nation state. ठीक है जी, ये बोलता है जैसा कि आपने देखा था कि nationalistic feelings were widespread among the middle class Germans. तो nationalism की जो feelings थी, जर्मनी की बात हो रही है सबसे पहले, nationalism की जो feelings थी वो किसके अंदर सबसे पहले, वो कहां पर थी जर्मनी में? वो थी आपकी जो middle class थी, मिडिल क्लास के लोगों के अंदर जो थी वो नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे ज्यादा थी, वाइड स्प्रेड हो रही थी। वाइड स्प्रेड होने का मतलब है दूर दूर तक फैल रही थी। Who in 1848 tried to unite the different regions of the German confederation? जिन्होंने 1848 में जर्मनी के डिफरेंट डिफरेंट कन्फेडरेशन को, 39 कन्फेडरेशन थी आपको याद होगा, उन 39 कन्फेडरेशन को जो था वो क्या करने की कोशिश की थी? यूनाइट करने की, इकट्ठा करने की कोशिश जो थी वो की थी। Into a nation state governed by an elected parliament. और उसको govern कौन करेगा? जो जर्मनी यूनिफाइड होगा उसको govern कौन करेगा? उसकी government कौन चलाएगा? उसकी government चलाएगा जो आपकी elected parliament है,
इलेक्टेड पार्लियामेंट मीन्स जो आप रिप्रेजेंटेटिव चूज करके लोग भेजेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उस जर्मनी को जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और वहां उस कंट्री को चलाएंगे। द लिबरल्स इनिशिएटिव टू द नेशन बिल्डिंग वॉज हाउ एवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री। अब ये बोलता है कि जो नेशनल बिल्डिंग की नेशन बिल्डिंग की जो कोशिशें किसने की थी, लिबरल्स ने जो कोशिशें की थी उसको क्या किया था, उसको सरप्रेस कर दिया गया। सरप्रेस क्या होता है, सरप्रेस होता है दबा दिया गया बाय किसके, बाय द मोनार्क, जो राजा महाराजा थे उन्होंने, और साथ में उसकी उनकी जो मिलिट्री थी उसको जो था वो ये नेशन बिल्डिंग की जो भावनाएं थी वो इनके द्वारा दबा दी गई। सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स। और इसके साथ साथ ये तो ऐड थे, मोनार्क और मिलिट्री तो था ही, इसके अलावा जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिनको आप जमींदार बोलते हैं, वो जमींदार भी आपके जो है वो आपके क्या थे, उन्होंने भी इसको जो था वो इनकी लिबरल्स की मूवमेंट को दबाने की कोशिश जो थी वो की थी। लिबरल्स जो थे वो इनकी मूवमेंट को दबा दिया गया और इन लैंडलॉर्ड्स को जो था दे आर नोन एज द जंकर्स, इनको जो था वो जर्मनी में जंकर्स जो था वो कहा जाता था। ऑफ पर्शिया फॉर देम ऑन पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और उसके बाद जो था देन ऑन उसके बाद किसके बाद, जब लिबरल्स की मूवमेंट को दबा दिया गया तो उसके बाद पर्शिया जो था टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। पर्शिया ने जो था वो उसके जो हेड थे उन्होंने जो था वो जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए जो था वो मूवमेंट, पर्शिया का जो हेड थे उन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन को अपने अंडर जो था वो ले लिया। Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process carried out with the help of Persian army and bureaucracy. अब जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जर्मनी का और यूनिफिकेशन करने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे, पर्शिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे इनका क्या नाम था, इनका नाम था प्राइम मिनिस्टर जो थे पर्शिया के इनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। नाम याद रखिएगा, ये नाम भी आपको जो है वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन्होंने जो था वो ये जो थे दिस पर्सन वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये पर्सन जो थे वो जर्मनी की यूनिफिकेशन के रचनाकार थे, रचनाकार मतलब जिन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस जो था वो अपने दिमाग में चलाया था। किसकी हेल्प से, खुद नहीं किया ने, विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी, ठीक है, पर्शियन आर्मी और विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी, विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी होती है जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं दोज आर नोन एज द ब्यूरोक्रेट्स, उनको जो है वो ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट के जो अफसर होते हैं, जैसे हमारे डिविजनल कमिश्नर है या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ये सारे जो है वो आपके ब्यूरोक्रेट्स बोले जाते हैं, ऑल दीज आर नोन एज द ब्यूरोक्रेट्स, या इससे ऊपर के जो पर्सन हैं दीज आर नोन एज द ब्यूरोक्रेट्स। तो इन्होंने जो था
ऑटो वॉन बिस्मार्क ने पर्शियन आर्मी और इनके जो टॉप लेवल के ऑफिसर थे उसकी हेल्प से जर्मनी को यूनिफिकेशन करने की पूरा आर्किटेक्ट जो था वो डिजाइन किया था या प्रोसेस जो था वो किया था। थ्री वॉर्स ओवर द 7 years। अब क्या किया ने? इन्होंने 7 years में, 7 सालों में, 7 years में कितने वॉर लड़े? थ्री वॉर्स। कितने वॉर लड़े? थ्री वॉर। तीन लड़ाइयां लड़ी इन्होंने 7 सालों में, ठीक है, विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। क्योंकि जर्मनी उस टाइम पे था वो इन इन आज की जो ये कंट्रीज है आपकी, कौन कौन सी कंट्रीज है? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, डेनमार्क एंड फ्रांस, इनके साथ इन्होंने जो था वो तीन लड़ाइयां जो थी वो लड़ी। ये वो तीन कंट्रीज हैं जिनके साथ इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और ये तीनों ही लड़ाइयां जो थी वो कौन जीता? वो पर्शिया जो था इन तीनों ही लड़ाइयों को जीत गया था। मतलब ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो इन तीनों ही लड़ाइयों को जीत गया था और उसके बाद जो था वो जर्मनी जो था वो आपका एक नेशन स्टेट जो था वो बन गया। जर्मनी जो था वो आपका एक नेशन स्टेट जो था वो बन गया। कब बना जर्मनी नेशन स्टेट? डेट भी याद रखनी है, जनवरी, जनवरी यहां लिख रहा हूं मैं डेट, जनवरी 1871 में जर्मनी जो था वो एक नेशन स्टेट बन गया। द पर्शियन किंग विलियम्स वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलीज। और उसके बाद जो था तो क्या हुआ कि जनवरी 1871 में जर्मनी जो था और जनवरी 87 में नेशन स्टेट बनने के बाद पर्शिया के जो किंग थे इनका क्या नाम था? पर्शिया के किंग जो थे इनका क्या नाम था? विलियम वन, ये इनका नाम था। प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो अब आपको जो ऑटो वन बिस्मार्क है उसका जैसे आपका जो है जो रोल उसने प्ले किया था जर्मनी के कन्फेडरेशन करने में या यूनिफिकेशन करने में, वही रोल जो था वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो था वो प्ले किया था। उन्होंने जो था वो लड़ाइयां लड़ी थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो था वो दो रियासतों के साथ जो थी वो लड़ाई लड़ी थी, एक आपकी जो थी वो हैदराबाद रियासत थी और एक आपकी जो थी वो जम्मू एंड कश्मीर रियासत थी, वहां पे लड़ाई जो थी वो लड़ी थी। तो इसी तरह से जो ऑटो वन बिस्मार्क थे इन्होंने भी तीन कंट्रीज के साथ जो थी वो लड़ाई लड़ी थी और वो तीन कंट्रीज मैंने आपको बता दी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। और 3 सालों में, 7 सालों में 3 लड़ाइयां जो थी वो इन्होंने लड़ी और उसके बाद इनकी जीत हुई और जीतने के बाद इन्होंने जो था वो जर्मनी जो था वो एक नेशन स्टेट जो था वो बन गया। दिस इज नोन एज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये है आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजेस द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स ऑफ इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज टू प्रोक्लेम न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केसर विलियम वन ऑफ पर्शिया, ठीक है जी। तो और
जो जर्मनी आपका जो था वो प्रो ये विलियम वन जो थे वो आपके जो थे वो एम्परर बने आपके जर्मनी के, तो उसका जो फंक्शन था उसकी जो सेरेमनी थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, वो आपकी जर्मनी में एक जगह है दैट इज नोन एज वर्सरीज, इसको नाम याद रखिएगा ठीक है, वर्सरीज ये एक जगह है, यहाँ पर जो था वो इनके एम्परर बनने की, किसके विलियम वन के एम्परर बनने की सेरेमनी जो थी वो आपकी क्या की गई थी, वो ऑर्गेनाइज की गई थी। अब आगे इसकी स्टोरी आगे चलती है जर्मनी के यूनिफिकेशन की, ये आगे बोलता है कि क्योंकि जर्मनी जो है वो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो है क्योंकि नॉर्थ इसमें आता है, तो आपको पता है कि नॉर्थ में जो है वो सर्दियों में या जो जनवरी मंथ होता है वो जब क्रिसमस का या उसके आगे का टाइम पीरियड होता है वो कोल्ड वेदर सीजन का टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पर भी आपका जो था वो कोल्ड वेदर का सीजन था चल रहा था। तो इसमें जो था वो कौन कौन शामिल हुए थे, उसमें जो शामिल हुए थे वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस थे, प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स। अब ये जर्मन स्टेट्स कहां से आ गए, प्रिंसेस कहां से आ गए, प्रिंसेस आए क्योंकि जो आपके 39 कॉन्फ़ेडरेशंस थी वो उनके जो प्रिंसेस थे, क्योंकि उनको जब यूनाइट किया गया तो उनके जो प्रिंसेस आप पता कौन होते हैं, एक किंग होता है एक प्रिंस होता है, किंग राजा होता है और प्रिंस जो होता है वो राजकुमार होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो किंगडम्स जब थी उसके वो सारे के सारे प्रिंसेस जो थे वो वहाँ पर आए, प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मीज। इसके अलावा जो पर्शियन आर्मी थी, ठीक है, पर्शियन आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, पर्शियन आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी वहां पर प्रेजेंट थे, वर्सलीज में जो थे वो प्रेजेंट थे जब ये सेरेमनी हुई। उसके अलावा जो मेन आर्किटेक्टर थे आपके, कौन था मेन आर्किटेक्टर, ऑटो वैन बिस्मार्क, ये मेन आर्किटेक्ट थे जो प्राइम मिनिस्टर थे पर्शिया के, ये भी वहां पर प्रेजेंट थे, और ये सारे के सारे कहां इकट्ठे हुए, गैदर्ड इन एक पैलेस था जिसका नाम था हॉल ऑफ मिरर्स, पैलेस का नाम क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ पैलेस, पैलेस का नाम था याद रखिएगा हॉल ऑफ मिरर, ठीक है, हॉल ऑफ मिरर, और ये कहां पर था, ये अभी आपको बताया है, ये था आपका वर्सलीज में, कहां था ये पैलेस, वर्सलीज में, और वहां पर जो था वो केसर विलियम, इनका पूरा नाम था केसर विलियम जो था वो इनको जो था वो जर्मनी का एम्परर जो था वो बनाया गया था। तो इस तरह से जर्मनी जो था वो एक नेशन स्टेट जो था वो बन गया। The national building process in Germany had demonstrated the dominance of the Persian state power. अब जर्मनी नेशन स्टेट तो बन गया, जर्मनी बिकेम अ नेशन स्टेट, लेकिन उसमें डोमिनेंस किसकी पावर की थी, उसको डोमिनेट कौन कर रहा था, मतलब गवर्नमेंट जो जर्मनी में बनी थी उसको डोमिनेट कौन कर रहा था, उसके ऊपर प्रभुत्व या सबसे बड़ा जो वो थी पावर्स थी वो किसके हाथ में थी, वो थी आपकी पर्शिया के हाथ में, क्योंकि जो इसका आर्किटेक्ट था प्राइम मिनिस्टर ऑटो वैन बिस्मार्क वो भी पर्शिया के थे, जो किंग बनाया गया केसर विलियम वन वो भी पर्शिया के थे, तो इससे दिखती सी बात है कि आपकी डोमिनेंस जो होगी वो पर्शिया की ज्यादा होगी जर्मनी के ऊपर। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. तो जब इनकी गवर्नमेंट बन गई, तो जर्मनी की गवर्नमेंट बन गई डोमिनेटेड बाय पर्शिया, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजों को मॉडर्नाइज करने की जो थी वो कोशिश की, आधुनिकीकरण करने की कोशिश जो थी वो की गई, चाहे वो आपकी बैंकिंग थी, ठीक है, चाहे वो आपकी बैंकिंग थी, चाहे वो आपकी करेंसी थी, इनको भी इसको भी जो था वो मॉडर्नाइज किया गया, चाहे वो बैंकिंग थी, चाहे वो आपका लीगल और जुडिशियल सिस्टम था, इन सभी को जो था वो आपका जो था वो क्या किया गया,
जुडिशियल सिस्टम था, इसका इंसानी को जो था वो मॉडर्नाइज करने की कोशिश जो थी वो आपकी की गई। पर्शियन बेसिस एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द जर्मनी। तो पर्शिया में जो आपका मॉडल होता था, कोई भी जो आपका मेजर होते थे पर्शिया में, जो मेजर और प्रैक्टिसेस होती थी, कोई भी जो मेन काम आपका पर्शिया में होता था वो आपका जर्मनी के लिए क्या होता था, वो जर्मनी के लिए जो था वो आपका मॉडल जो था वो बन जाता था। मतलब पर्शिया जर्मनी वही चीजें फॉलो करता था जो पर्शिया में आपकी होती थी। आई होप जर्मनी का यूनिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो आपको करवाऊंगा।